सभी साथियों को सबसे पहले क्रांतिकारी जय भीम नीला सलाम। तो आज मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ, डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ और उसके साथ हुआ क्या था और मैं परसों की बात है जी उसके बारे में सब कुछ बताऊंगा और डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल के पास ये मेरी वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ जिससे कि उसकी आँखें खुल सकें। तो साथियों वो भी दलित समाज का था पर वो था पूर्व विधायक जो कि बीजेपी का नेता था वो, पर साथियों वो एक मीटिंग में गया अन्य बीजेपी की सदस्यों के साथ। तो साथियों वहाँ पर वो एक गांव में पहुँचे तो वहाँ पर एक उनके जान पहचान वालों ने बीजेपी विधायकों के लिए खाना टेबल सजाई और अच्छी तरीके से उनको खाना दिया, सभी को स्टील की थाली में दिया, पर डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल को डिस्पोजल की थाली में दिया जो कि शादी ब्याहों में बरातियों को परसी जाती हैं, उन थाली में दिया था डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल को खाना। तो साथियों 21वीं सदी चल रही है और आप सभी लोग कहते हो कि जो पढ़ा लिखा है वो कभी जात पात नहीं मानता। तो साथियों जितने भी बीजेपी के विधायक थे 20-30 थे तो वहाँ पर सभी पढ़े लिखे होंगे पर उन्होंने डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल के साथ इतना जातिवाद किया कि उनको डिस्पोजल की थाली में खाना परोसा। तो साथियों मैं ये बात इसीलिए बोल रहा हूँ जो कि डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितनी भी कमी है सिर्फ डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल की है। इसका कारण यही है डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल जो कि अपने दलित समाज के, उन्होंने सोचा कि मैं बीजेपी में नेता बनकर ये मुझे अपना बराबर का सम्मान देंगे, पर साथियों ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम एक दलित हो, तुम ये बात भूल गए थे कि मैं एक दलित हूँ और इनकी बराबरी मैं नहीं कर सकता। इससे अच्छा तुम अगर बीएसपी के नेता होते तो तुमको बराबर सम्मान मिलता और आपके साथ कोई जात पात नहीं होती। तो साथियों इसमें कुछ करा ही नहीं जा सकता, जब अपना ही सिक्का कोटा हो तो दूसरे को कोसने से क्या फ़ायदा। तो साथियों जो भी कुछ करें आप लोग तो अपने समाज के लिए करें, दूसरे की समाज की गुलामी करना बिल्कुल बेकार है जो कि बीजेपी की नेताओं की जो कि डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल ने इतने 5 सालों से उनके साथ कार्य किया, पर साथियों एक मीटिंग में उनको डिस्पोजल की थाली में खाना परोस दिया गया। इसे कहते हैं साथियों दलित होने का दुख। जब उनको डिस्पोजल की थाली में खाना परोसा तो उन्हें जब ही वो खाना छोड़ के आना चाहिए था वहाँ से और उनको उनसे बोलना चाहिए था कि मैं भी एक इंसान हूँ और आप भी इंसान हो, जब आप स्टील की थाली में खा सकते हो तो मैं क्यों नहीं खा सकता, आपके क्या चार हाथ हैं तो आप स्टील की थाली में खाओगे, मेरे भी 2 हाथ हैं आपके भी 2 हाथ हैं। तो साथियों इस वीडियो को डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल के पास ज़रूर पहुँचाएँ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम ये बात करने के लिए आया था मैं वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।